आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के नवगढ़ माणिकपुर बस डिपो के बाहर। आप देख सकते हो हमारे पीछे एक निषेध आंदोलन जारी है। अब ये निषेध आंदोलन क्यों जारी है, तो इसके पीछे हम सभी जानते हैं कि बीते 2 दिनों पहले ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागले, असीम सरोजे और उनके एक सहयोगी के खिलाफ जिस तरह से हल्ला हुआ। निखिल वागले एक ऐसे पत्रकार है जो कि अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं बिना किसी खौफ के। आज के इस समय में जहां पत्रकारिता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, जहां शासन ने, जहां इस सत्ता ने पत्रकारिता को दबा दिया है, पत्रकार आज गोदी पत्रकार होकर रह गए। ऐसे में सत्ता से सवाल पूछना, कड़क सवाल पूछना वो निखिल वागले जी जो ज्येष्ठ पत्रकार है वो करते हैं। निखिल वागले जी और उनके सहयोगियों ने अभी एक निर्भय बनो आंदोलन शुरू किया हुआ है और वो निर्भय बनो आंदोलन का पूना में वहां उनकी एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उस समय उनके ऊपर बीजेपी के गुंडों द्वारा हमला किया गया। बकायदा बीजेपी के लोगों ने उसकी जिम्मेदारी तक ली। तो इस हमले का निंदा आज देश भर में की जा रही है और उसी कड़ी में आज वसई अंतर्गत वसई के इस बस डिपो परिसर में यहाँ कुछ लोग, संविधानवादी लोग, यहाँ एक निषेध आंदोलन कर रहे हैं। आप सुन सकते हैं हमारे पीछे जिस तरह से इस आंदोलन से जुड़े लोग अपने वक्तव्य रख रहे हैं। यहाँ अभी कई लोगों ने अपने वक्तव्य रखे, अलग अलग बातें कही, हर किसी ने सब कुछ, बहुत कुछ कहा। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि आज एक पत्रकार पर हमला हुआ, मतलब कि कहीं ना कहीं लोकशाही, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ है। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हुआ यानी कि अब भी अगर हम नहीं जागे हैं तो आगे हमारा लोकतंत्र का जो पाया है वो टूटने ही वाला है। किसी भी इमारत को टिकने के लिए 4 पायों की जरूरत होती है। लोकतंत्र भी हमारे देश की इमारत का एक पाया है और इसे तोड़ा जा रहा है, खोखला किया जा रहा है। तो आगे आज अब समय आ गया है कि ऐसी फांसीवादी ताकतों, ऐसी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत है। यही ये लोग कह रहे हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। सुनिए यहाँ के वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। नमस्कार सर, क्या कहेंगे आज निषेध आंदोलन है किस? देखो, निखिल सर और विश्वम्बर चौधरी सर और सरोदे सर, इनके ऊपर जो भ्याड हल्ला हुआ उसके खिलाफ वसई में भी आवाज उठना जरूरी था। वसई में भी उनके समर्थक लोग हैं और वो भी मरने के लिए तैयार है। हमारा जो विचार स्वतंत्र है, अगर वो कोई दबाने की कोशिश करेंगे तो उसको हम ऐसे इकट्ठा होके जवाब देंगे। ये दिखाने के लिए आज का ये हमने ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया था। सर, इस तरह से देश भर में चल रहा है कि जहाँ एक तरफ पत्रकारों को टारगेट किया जाए, वो पत्रकार जो सत्ता से सवाल करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कि बड़ी ताकतों से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कोई गंभीर मामले होते तब भी वहाँ नहीं। आप एक अधिवक्ता भी, इसको किस तरह से देखते हैं? ये देखो, ये सरासर जो चल रहा है वो अन्यायपूर्ण है। ये कानून के किताबों में ऐसा किधर लिखा ही नहीं गया है। ये सब सिर्फ उद्योगपति जो है, जो भ्रष्ट उद्योगपति है, इनके लिए ये सरकार चला रही है। ये उनके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते हैं, ईडी की कार्रवाई करते हैं, सीआईडी की कार्रवाई करते हैं, नाना प्रकार की कार्रवाई करके पत्रकारों को, राजकीय नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सबको दबाया कुचलने की वो कोशिश करते हैं, मगर वो कोशिश कभी कामयाब नहीं होंगी। वही मेरा ये संदेश मैं देना चाहता हूँ। आपने एकदम आक्रामक भाषण दिया, क्या आपके विचार है? देखिए, कल ये जो भी पुणे में हुआ ये डेफिनेटली उसका बहुत निषेध करना सबको जरूरी है, बट ये हल्ले के माध्यम से ये जो मोदी शाह और उसके जितने भी ये चेले हैं नीचे, वो एक संदेश देना चाहते हैं पूरे देशवासियों को कि हमें ये संविधान मंजूर नहीं है, हमें ये लोकतंत्र मंजूर नहीं है, जो हम चाहेंगे वही इस देश में होगा, तो ये हम कोई भी हालत में करने नहीं देंगे। अभी फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपना विरोध दर्शाने के टाइम जो है वो निकल चुका है। अभी हम इनके खिलाफ अगर ये रास्ते पे हमें आके रोक रहे हैं तो हमें भी इनको रोकने के लिए रास्ते पे आना पड़ेगा और इनसे हमारा देश बचाने के लिए सब युवकों को आगे आना पड़ेगा। अभी किसी ने कहा कि ईडी, सीबीआई, ईवीएम सब इनके हाथों में है, उस पे क्या करें? देखो, एक मराठी में कहावत है, माकड़ाच्या हातात कोली दिलास देणे, अगदी वही सेम हो रहा है। ये मंकी के हाथ में एक छुरा देने जैसा है। अभी ये मंकी जहाँ जाए वहाँ पे अंदर सबके अंदर घुसा के आगे बढ़ रहा है, तो इसको कहीं रोकना है। और ये सबसे बड़ा अगर खतरा कोई इस देश के ऊपर है कि हमारा संविधान के ऊपर है। देखिए, कल का भी जो भी वहाँ पे हुआ पुणे में, हमारा संविधान आर्टिकल अनुच्छेद 19 में हमको विचार स्वातंत्र, हमको वाक स्वातंत्र देता है, हमारा विचार प्रकट करने का स्वातंत्र देता है। उसके बीच में अगर कोई आ रहा है तो हमारा संविधान बोलता है कि देश की जो व्यवस्था है वो बीच में आने वाले लोगों के ऊपर गुनाह दर्ज करके उनको दूर करना है, ना कि मेरा आवाज बंद करना है। लेकिन जो भी हुआ पुणे में कल बराबर उल्टा हुआ। जो आवाज अपना, जो अपना विचार लोगों के सामने रखना चाहते हैं, उनका विचार पुलिस के माध्यम से रोका गया और जो रोकना चाहते हैं उनको पुलिस ने प्रोटेक्ट दिया है। आज तो ऐसे पता चला है कि जिन्होंने रोका है मेरा विचार स्वतंत्र, उनको खुली छुट्टी हुई है और मैं जो विचार रखना चाहता था मेरे ऊपर ही एफआईआर दर्ज हो चुका है। तो ये बराबर कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत इस देश में हो रहा है और ये इतना अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है कि जो हमें खाना भी देता है, हमें रोजगार भी देता है, हमें शिक्षा भी देता है और हम जो चाहिए हमें लाइफ में जो भी बनना है उसका स्वातंत्र देता है, विचार स्वातंत्र देता है। ये अगर संविधान हमारे हाथ से चला जाएगा तो हमारे सामने गुलामी के अलावा कोई भी सामने ये नहीं है। मेरा यही कहना है कि अभी देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश जो है सो गलत हाथों में चला गया है। ये केंद्र सरकार टोटल मीडिया का दमन करना चाहती है। एक तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा मीडिया हाउस को खरीद लिया गया है, सो दैट की लोकतंत्र, लोकशाही का आवाज लोगों तक पहुंचा ही नहीं। और दूसरा, अगर कोई निर्भय है, अगर कोई स्वतंत्र होकर अपने विचारों को रखना चाहता है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है और इनके खिलाफ बोलता है तो इसका दमन करते हैं, इनको जान से मारने की कोशिश होती है, इन पर हमला किया, कायरतापूर्ण हमला किया जाता है। इसका हम सर्वदा निषेध करते हैं और हमेशा निषेध करते रहेंगे। नहीं, पुणे में निर्भय बनो ऐसी जो जनसभा हो रही थी उस पर निखिल वागले, विश्वम्बर चौधरी और असीम सरोजे पे जो हमला किया गया भाजपा की तरफ से, उसका निषेध करने के लिए आज वसई में हम लोग जमा हुए। संघ परिवार को ऐसा लगता है कि जो समाज के भीतर की आवाज़ें हैं उन आवाज़ों को वो दबा सकते हैं। उन्होंने गोविंद पानसरे को भी ख़त्म करके देखा है, दाभोलकर जी का साथ भी हुआ है और गौरी लंकेश के साथ भी हुआ है, लेकिन फिर भी कभी भी महाराष्ट्र की आवाज़ दबी नहीं। निखिल वागले के ऊपर जो हमला हुआ है उस बहाने से हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए और ये कहना चाहते हैं, महाराष्ट्र में आज जगह जगह पर निदर्शन, धरने, आंदोलन हो रहे हैं। वो यही कहना चाहते हैं कि ये महाराष्ट्र जो है वो गोळवलकर गुरुजी या हेडगेवार का नहीं है, ये महाराष्ट्र जो है वो फुले, शाहू, अंबेडकर का महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र तुकाराम महाराज का है, ये महाराष्ट्र शिवाजी महाराज का है। तो इसलिए उनसे हमें जो मिली हुई निर्भय रहने की जो विरासत है, हम कभी दिल्ली के सामने झुके नहीं, हम किसी के सामने झुके नहीं। ये जो हमारी निर्भय रहने की जो परंपरा है उस परंपरा के तहत हम यहाँ इकट्ठे हैं। तो ऐसे जितने भी हमले होंगे उसके खिलाफ में हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। आप पिछली सरकार में कई बार आंदोलन कर चुके हैं और अभी 2014 के बाद भी आंदोलन कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं? पिछली सरकारों में कितनी स्वतंत्रता थी, आज कितनी? एक बुनियादी फर्क है, पिछली सरकारों में कुछ तो शर्म हुआ करती थी। ये जो पिछले 10 साल से सरकार चल रही है, ये बेशर्मी की सारी हदें पार कर रही है। अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि बेशर्मी की कौन सी हद ये पार कर जाएंगे। औपचारिक रूप से ये कहे ना कि भारत के संविधान को ये नहीं मानते, बोले तो घोषणा तो करे संघ परिवार, घोषणा तो करे नरेंद्र मोदी। एक तरफ आप संविधान की शपथ लेंगे, संविधान की बात करेंगे, और दूसरी तरफ संविधान को नहीं मानेंगे। ये जो दोगलापन चल रहा है ये ज़्यादा खतरनाक है। तो हम तो सरकार से कह रहे हैं कि आप सीधे सीधे बोलो कि आप संविधान नहीं मानते। तो आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से समाज उतरा था, उसी तरह से दूसरी आज़ादी के लिए भारत का पूरा समाज खड़ा हो जाएगा अपने संविधान के लिए। ये फर्क, मूलभूत फर्क अभी आ चुका है। ये सरकार न जनता के साथ है, ये सरकार ना संविधान के साथ है, ये सरकार ना ईमानदार है, ये बहुत बेईमान सरकार है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।